दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme 11 5G और Poco M6 Pro 5G फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। पोको M6 प्रो फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.79 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया। ये फोन में नॉच नहीं दिया, छोटा सा एक पांचल दिया गया। सेंटर में एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 5G फोन, इसमें जो डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें भी आपको नॉच टेक्नो नहीं मिलेगा, छोटा सा पांचल होने वाला है। सेंटर में एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। इसमें भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में यह पे थोड़ा सा लाइटली बेटर रहेगा Realme 11 5G फोन, क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। पोको M6 Pro 5G फोन में जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 8 मेगापिक्सल का पांचल सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 5G फोन, इसमें अभी आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, 3x जूम भी मिल जाता है, बढ़िया रियर कैमरा मिल जाता है। जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 16 मेगापिक्सल का पांचल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा में एपी विनर बन जाता है Realme 11 5G फोन। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो पोको M6 Pro फोन में क्वेलकम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वेलकम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो Adreno 613 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर, ये फोन नंबर का प्रोसेसर है, फोन नंबर पर आधारित है, बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 5G फोन, इसमें MediaTek का प्रोसेसर दिया जाएगा। MediaTek Dimensity 6100 प्लस ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो Mali G57 MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये भी प्रोसेसर काफी अच्छा बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइटली बेटर रहेगा पोको M6 Pro 5G फोन। इसमें जो क्वेलकम का प्रोसेसर दिया गया, 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, काफी पावरफुल बढ़िया प्रोसेसर है। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। साथ में जो Realme का फोन है इसमें Realme UI 4.0 मिल जाता है, और जो Poco का फोन में इसमें MIUI 14 दिया गया है। दोनों फोन का वारंटी का बात करें तो Poco M6 Pro फोन दो वारंटी पर आता है। जो बेस्ट वारंटी है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और जो हायर वारंटी है 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 X फोन, ये फोन भी दो वारंट पर लॉन्च किया जाएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो चार्जिंग पर यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पोको M6 Pro फोन में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया, 22.5 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 X फोन जो है इसमें आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग पर यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है Realme 11 5G फोन।
दोनों फोन का यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में यूएसबी टाइप सी 2.0 दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन पोको का फोन में 5.0 मिल जाता है और जो रियलमी का फोन है उसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है। दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। दोनों फोन के सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, फेस अनलॉक मिल जाता है। ये दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। पोको M6 प्रो फोन में इसमें ग्लास बैक दिया गया, ग्लास बैक मिल जाता है काफी अच्छा बढ़िया बॉक्सी टाइप डिजाइन के साथ आता है, बढ़िया डिजाइन मिल जाता है इस प्राइस रेंज पर। यहाँ पे बात करें तो रियलमी 11 5G फोन इसमें भी ग्लासी फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, इसमें भी बॉक्सी टाइप डिजाइन देखने को मिल जाता है, बढ़िया डिजाइन के साथ आता है, लेकिन इसका बैक में आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, ग्लासी फिनिशिंग होने वाला है। काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ दोनों फोन आता है, डिजाइन पर यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में ओवरऑल बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिया गया है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो पोको M6 Pro 5G फोन का जो बेस्ट वारंटी है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 10,999 रुपीज पर आता है। 11,000 रुपीज पर बेस्ट वारंटी मिल जाता है और जो हायर वारंटी है 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 12,999 रुपीज पर आता है। 13,000 रुपीज पर आपको हायर वारंटी मिल जाता है। इस फोन में आपको 1,000 रुपीज और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो आपको इंस्टेंट 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेस्ट वारंटी 10,000 रुपीज पर मिल जाएगा, जो हायर वारंटी 11,000 रुपीज पर आपको मिल जाएगा। ये फोन काफी एग्रेसिव प्राइस पर आता है, इस प्राइस रेंज पर ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। यहाँ पे बात करें तो रियलमी 11 5G फोन, ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, 23 अगस्त को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो इसका प्राइस कंफर्म नहीं बता सकते, मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए, फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। ये फोन का जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, ये फोन का प्राइस होने वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है 14,999 रुपीज पर आएगा। 15,000 रुपीज पर बेस्ट वारंट मिल जाएगा और जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, ये फोन का प्राइस होने वाला 15,999 रुपीज पर आएगा। 16,000 रुपीज पर आपको हायर वारंट मिल जाएगा, इस प्राइस रेंज पर ये फोन आने वाला है। ये कंफर्म प्राइस नहीं है, हो सकता है इससे कम प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का कंफ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है रियलमी 11 5G फोन। इसमें आपको दो तीन चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो डिस्प्ले में हायर रिफ्रेश रेट है, आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसमें सेल्फी कैमरा रियर कैमरा बढ़िया बेटर देखने को मिल जाता है और इसमें जो फास्ट चार्जर है आपको 67W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होने वाला है, 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस फोन के लिए। यहाँ पे बात करें तो पोको M6 Pro 5G फोन, इसमें भी दो चीज बढ़िया मिल जाता है, जैसे कि पहले इसमें तो परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा लाइटली बेटर देखने को मिलेगा और इसमें ग्लास बैक दिया गया, ग्लास डिजाइन मिल जाता है, लेकिन ये फोन आपको काफी एग्रेसिव प्राइस पर देखने को मिलेगा। 10,000-11,000 रुपीज पर आपको बेस्ट वारंट मिल जाएगा, जो हायर वारंट है 12,000-13,000 रुपीज पर मिल जाएगा 6GB 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन जो रियलमी 11 5G फोन होगा इसमें आपको 6GB और 4GB रैम देखने को नहीं मिलेगा, 4GB 6GB रैम के साथ आएगा रियलमी 11X 5G फोन। दोनों फोन एक ही साथ में लॉन्च होने वाला है, तो ये अपना अपना प्राइस रेंज पर दोनों फोन काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। प्राइस के हिसाब से रियलमी का जो फोन आने वाला रियलमी 11 5G फोन, ये फोन इस प्राइस रेंज पर 14,000-15,000 रुपीज पर बेस्ट है। यहाँ पे बात करें तो पोको M6 प्रो फोन, ये फोन 11,000-12,000 रुपीज पर इस प्राइस रेंज पर स्पेसिफिकेशन का हिसाब से ये फोन बेस्ट है। तो दोनों फोन आप परचेस कर सकते हैं प्राइस रेंज पर, स्पेसिफिकेशन में अगर ये पे देखा जाए तो विनर बन जाता है रियलमी 11 5G फोन, लेकिन इस फोन का प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन की तरफ आप जाना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुक्रिया करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलता है। चलिए शुक्रिया खत्म करता हूँ, तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।